इंशाल्लाह आज हम सूरह साफ़त का जो दूसरा रुकू हमने कल शुरू किया था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने दूसरे रुकू की जो आयतें हैं यानी कि आयत 45-44 तक हमने तिलावत की थी कल, आज उससे कंटिन्यू करते हैं आयत नंबर 45 से रुकू के एंड यानी आयत नंबर 70। छोटी सी आयतें हैं, इसकी तफसीर भी ज़्यादा नहीं, इंशाल्लाह आज इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी तिलावत कर लेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرة الطرف أعين كأنهن بيض مكنون أقبل عبادهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرعاه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم تلقوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم। ये थी आयत नंबर 45-74 जिससे दूसरे रुकू का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शराब के चश्मों से सागर भर भर के इनके दरमियान फिराए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी, ना इनके जिस्म को इससे कोई जरर होगा और ना इनकी अकल इससे खराब होगी। और इनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर हालात पूछेंगे। इनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक हमनशीन था जो मुझसे कहा करता था कि तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो। क्या वाकई जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें जजा व सजा दी जाएगी? अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहेब अब कहाँ हैं? ये कहकर जो ही वो झुकेगा तो जहन्नम की गहराई में इसको देख लेगा और इससे खिताब करके कहेगा, खुदा की कसम तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला था। मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो आज मैं भी इन लोगों में सोता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा, क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। यकीनन यही अजीम शान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। बोलो, ये ज़ियाफ़त अच्छी है या जख्म का दरख्त? हमने इस दरख्त को ज़ालिमों के लिए फितना बना दिया है। वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है। इसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नुम के लोग इसे खाएंगे और इससे पेट भरेंगे, फिर इस पर पीने के लिए खौलता हुआ पानी मिलेगा और इसके बाद इनकी वापसी इसी आतिश दोज़ख की तरफ होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चले, हालांकि इनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और इन्हें हमने तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे।
अब देख लो कि इन तंबीह किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इस बदअंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें इसने अपने लिए खालिस कर लिया है। ये था ट्रांसलेशन आज की इन आयतों का। इंशाल्लाह इसकी तफसीर में जाने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से यानी कि इनके बारे में बताया था कि जो अल्लाह के रसूल से आसम को मजनून कहते थे, सताते थे, यानी कि अल्लाह ताला इन सबको बता रहा था कि देखो तुम जिस रसूल को तुम जो सता रहे थे उस रसूल की बात तुम्हें सच निकली और आज तुमने देख लिया कि तुम यौम जजा के दिन ला ठहरा होगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि किस तरह से जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे, उनको किस तरह से जहन्नुम में धकेला जाएगा और उनकी किस तरह से वहां पे ज़ियाफ़त होगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह मोमिनीन को जन्नतुल फिरदौस में यानी जन्नत के मुकामों में, जन्नत के बालाए खानों में की जगह अता फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये उन्हें यहाँ ये भी बताया था कि देखो ये जो तुम्हारे साथ, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। एक तो लोगों ने घमंड किया था, दूसरे लोगों की बातों में आते थे। हमने देखा कि कुफार मुशरिकीन किस तरह से लोगों को वो कहते थे कि हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हारे सरदार हैं यहाँ पे, तो वहां पे भी तुमको बचा लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे समझा रहा है कि देखो वो तुम्हारे सरदार कहाँ गए, वो सरदार भी झोंके जाएंगे, वो जो डिक्टेटर थे वो भी झोंके जाएंगे, और जिन जिन को तुम फॉलो करते थे सब लोग जहन्नुम में मिलेंगे। और एक दूसरे से जब ये लोग एक दूसरे से शिकायत करेंगे कि तुमने हमको इस तरफ गाइड किया था, उसी लिए आज हम जहन्नुम में हैं, तो वो कहेंगे कि हमने तो गाइड नहीं किया, हम खुद यानी कि गुमराह हो गए थे, हम जहन्नुम में हैं। ये तो तुम्हारा अपना खुद का जमीर था, तुम्हारी अपने खुद की दिल पसंदी थी कि तुम भी गुमराह हो गए, हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाओ। इस तरह से सब लोग एक साथ जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि देखो किस तरह से जहन्नुम में एक दूसरे के ऊपर बोहतान लगाएंगे, लेकिन मुकाम तो सबका वही होगा कि वो हमेशा के वाली जहन्नुम में चले जाएंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इसमें से कुछ ऐसे बंदे होंगे जो इस जहन्नुम से बच जाएंगे, यानी नेक बंदे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करते थे और उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने उन नेक लोगों के लिए कहा कि किस तरह से वो जन्नत में मजे करते रहेंगे, अपनी बीवियों के साथ बैठे रहेंगे, तकिए लगाए बैठे हुए होंगे। फिर उसी का कंटिन्यूएशन आज की इन आयतों में कहा है, अल्लाह ताला बता रहा है कि और इनके लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या इंतजाम कर रखे होंगे जन्नत में। तो इंशाल्लाह आज की इन आयतों की तफसीर कंटिन्यू कर लेते हैं। शराब के चश्मों, असल में यहाँ शराब की तस्री नहीं है बल्कि सिर्फ कास सागर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अरबी जबान की कास का लफ्ज बोलकर हमेशा शराब ही मुराद ली जाती है। जिस प्याले में शराब के बजाय दूध या पानी हो या जिस प्याले में कुछ ना हो इसे काइस नहीं कहते। कास का लफ्ज सिर्फ इस वक्त बोला जाता है जब इसमें शराब हो, यानी कि शराब के चश्मों से सागर भर भर कर इनके दरमियान फिराए जाएंगे, यानी वो शराब इस कौम की ना होगी जो इस किस्म की ना होगी जो दुनिया में फलों और गल्लों को सड़ा कर कशीदगी की जाती थी, बल्कि वो कुदरती तौर पर चश्मों से निकलेगी और नहरों की शक्ल में बहेगी। सूरह मोहम्मद में इसी मजमून को सराहत के साथ बयान किया गया है कि अनहारु मिन खैर खम्रिल लज्जतिल लिश्शारिबीन, और शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लज्जत होंगी। यहाँ ये नहीं बताया गया कि शराब के ये सागर लेकर जन्नतियों के दरमियान गर्दिश कर कौन करेगा, इसकी तफसील दूसरे मुखालात पर इरशाद हुई है, जैसे वयतूफ़ू अलैहिम गिलमान लहुम का अन्नहुम लूलू व मकनून, और इनकी खिदमत के लिए गर्दिश करेंगे इनके खादिम लड़के ऐसे खूबसूरत जैसे सदफ में छुपे हुए मोती, सूरह तूर। और फिर कहा गया वयतूफ़ू अलैहिम विलदान मुखल्लदून इज़ा रायतहुम हसिबतहुम लू लू मंशूरा, और इनकी खिदमत के लिए गर्दिश करेंगे ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहने वाले हैं, तुम तो इन्हें देखो तो समझो कि मोती बिखेर दिए गए, सूरह दहर। इसकी मजीद तफसील हजरत अनस रजी अल्लाह ताला और हजरत समर बिन जुंदुब रजी अल्लाह के इन रिवायत में मिलती है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। इनमें बताया गया है कि मुशरिकीन के बच्चे अहले जन्नत के खादिम होंगे। ये रिवायत अगरचे सनद ज़ईफ़ है लेकिन मुतादी दूसरी अहादीस से मालूम होता है कि जो बच्चे सन रशिद को नहीं पहुंचे हैं वो जन्नत में जाएंगे। फिर ये भी अहादीस से मालूम होता है कि जिन बच्चों के वालिदैन जन्नती होंगे वो अपने माँ बाप के साथ रहेंगे ताकि इनकी आंखें ठंडी हो,
इसके बाद लामहाला वो बच्चे रह जाते हैं जिनके माँ बाप जन्नती ना होंगे, तो इनके मुतालिक ये बात माकूल मालूम होती है कि वो अहले जन्नत के खादिम बना दिए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी, ना इनके जिस्म को इससे कोई जरर होगा और ना इनकी अकल इससे खराब होगी, यानी वो शराब इन दोनों किस्म की खराबियों से खाली होगी जो दुनिया की शराब में होती है। दुनिया की शराब में एक किस्म की खराबी ये होती है कि आदमी के करीब आते ही पहले तो इसकी बदबू और सड़ंत नाक में पहुंचती, फिर इसका मजा आदमी के जायके को तलख करता है, फिर हलक से उतरते ही वो पेट पकड़ लेती है, फिर वो दिमाग को चढ़ती है और दौरान सर लाहक होता है, फिर वो जिगर को मुतासिर करती है और आदमी के सेहत पर इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं, फिर जब इसका नशा उतरता है तो आदमी खुमार में मुबतला हो जाता है। ये सब जिस्मानी जरर हैं। दूसरी किस्म की खराबी ये होती है कि इसे पीकर आदमी बहकता है, हाउल फाउल बकता है और अरबदा यानी झगड़ा करता है। ये शराब के अखली नुकसान हैं। दुनिया में इंसान सिर्फ सुरूर की खातिर शराब के ये सारे नुकसान बर्दाश्त करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत की शराब में सुरूर तो पूरी तरह होगा, लज्जत शारिबीन, लेकिन इन दोनों किस्मों की खराबियों में से कोई खराबी भी इसमें ना होगी। और इनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी, यानी अपने शोहर के सिवा किसी और की तरफ निगाह ना करने वाली। बाइद नहीं कि वो लड़कियां हैं जो दुनिया में सन रशिद को पहुंचने से पहले मर गई हों और जिनके वालिदीन जन्नत में जाने के मुस्तहिक ना हुए हों। ये बात इस कयास की बिना पर कही जा सकती है कि जिस तरह ऐसे लड़के अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे और वो हमेशा लड़के ही रहेंगे, इसी तरह ऐसी लड़कियां भी अहले जन्नत के लिए पूरे बना दी जाएंगी और वो हमेशा नौखैज लड़कियां ही रहेंगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली, असल अल्फाज हैं कि अन्नहुन्ना बैदुम मकनून, गोया वो छुपे हुए या महफूज रखे हुए अंडे हैं। इन अल्फाज की मुख्तलिफ ताबीरात अहले तफसीर ने बयान की हैं, मगर सही तफसीर वही है जो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। वो फरमाती हैं कि मैंने इस आयत का मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी नरमी व नज़ाकत इस झिल्ली जैसी होगी जो अंडे के छिलके और इसके गूदे के दरमियान होती है। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर हालात पूछेंगे। इनमें से एक कहेगा कि दुनिया में मेरा एक हमनशीन था जो मुझसे कहा करता था कि तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो, यानी तुम भी ऐसे ज़ईफुल एतिक़ाद निकले कि जिंदगी बाद मौत जैसी बईद अज़ अख़ल बात को मान बैठे। क्या वाकई जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों के पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें जजा व सजा दी जाएगी? अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहब अब कहाँ है? ये कहकर जो ही वो झुकेगा तो ठंड उनकी गहराई में उसको देख लेगा और इसे खिताब करके कहेगा कि खुदा की कसम, तू तो मुझे तबाही करने वाला था, मेरे रब का फजल शामिल ना होता तो आज मैं भी इन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। इससे अंदाजा होता है कि आखिरत में इंसान की समाअत और बीनाई और गोया किसी किस पैमाने की होगी। जन्नत में बैठा हुआ एक आदमी जब चाहता है किसी टेलीविजन के आले के बगैर बस यूं ही झुक कर एक ऐसे शख्स को देख लेता है जो इससे न मालूम कितने हजार मील के फासले पर जहन्नुम में मुब्तला अजाब है। फिर यही नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं बल्कि इनके दरमियान किसी टेलीफोन या रेडियो के तवस्सुत के बगैर बराह रास्त कलाम भी होता है। वो इतने तवील फासले से बात करते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं। अच्छा, तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई अजाब नहीं होना। अंदाज़ कलाम साफ बता रहा है कि अपने इस दोज़खी यार से कलाम करते करते एकाएक ये जन्नती शख्स अपने आप से कलाम करने लगता है और ये तीन फिक्रे इसकी जबान से इस तरह अदा होते हैं जैसे कोई शख्स अपने आप को हर तवक्के और हर अंदाजे से बरतर हालात में पाकर इंतहाई हैरत व इस्तेजाब और वफूर मसरत के साथ आप ही आप बोल रहा हो। इस तरह के कलाम में कोई खास शख्स मुखातिब नहीं होता और न इस कलाम में जो सवाल आदमी करता है इनसे दरहे कोई बात किसी से पूछना मकसूद होता है, बल्कि इसमें आदमी के अपने ही एहसासात का इजहार इसकी जबान से होने लगता है। वो जन्नती शख्स इस दोजखी से कलाम करते करते एकाएक ये महसूस करता है कि ये मेरी खुशी किस्मती मुझे कहाँ ले आई, अब न मौत है न अजाब है, सारी कुल्फतों तकलीफों का खात्मा
हो चुका है और मुझे हयाते जाविदा नसीब हो चुकी है। इसी एहसास की बिना पर वो बेसाख्ता बोल उठता है, क्या अब हम इस मर्तबे को पहुंच गए हैं? यकीनन यही अजीमुशान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। बोलो, ये जियाफत अच्छी है या जख्म का दरख्त? जख्म एक किस्म का दरख्त है जो तहामा के इलाके में होता है। मजा इसका तल्ख होता है, वो नागवार होती है और तोड़ने पर इसमें से दूध का सा रस निकलता है जो अगर जिस्म को लग जाए तो वरम हो जाता है। गालिबन ये वही चीज है जिसे हमारे मुल्क में थोहर कहते हैं। हमने इस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया। यानी मुनकरीन ये बात सुनकर कुरान पर तान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तेहज़ा का एक नया मौका पाल लेते हैं। वो इस पर ठट्टा मार कर कहते हैं, लो अब नहीं सुनो, जहन्नम की दहकती हुई आग में दरख्त उगेगा। यह ऐसा दरख्त है जो जहन्नम के तय से निकलता है। इसके शगुफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। किसी को यह गलत फहमी ना हो कि शैतान का सर किसी ने देखा है, जो जख्मों में के शिगाफों को इससे तशबीह दी गई। दरअसल ये तखयली नवयत की तशबीह है और आमतौर पर जबान के अदब में इससे काम लिया जाता है। मसलन हम एक औरत की इंतहाई खूबसूरती का तस्वुर दिलाने के लिए कहते हैं वो परी है, और इंतहाई बदसूरती बयान करने के लिए कहते हैं वो चुड़ैल है या भूतनी है। किसी शख्स की नूरानी शक्ल की तारीफ में कहा जाता है कि वो फरिश्ता सूरत है, और कोई नहायत भयानक हयत कजाई है में सामने आए तो देखने वाले कहते हैं कि वो शैतान मना चला आ रहा है। जहन्नम के लोग इसे खाएंगे और इससे पेट भरेंगे, फिर इस पर पीने के लिए खौलता हुआ पानी मिलेगा और इसके बाद इनकी वापसी इसी आतिश दोजख की तरफ होगी। इससे मालूम होता है कि अहले दोजख जब भूख प्यास से बेताब होने लगेंगे तो इन्हें इस मुकाम की तरफ हाँक दिया जाएगा जहाँ जख्म के दरख्त और खलते हुए पानी के चश्मे होंगे। फिर जब वो वहां से खा पी कर फारिग हो जाएंगे तो इन्हें दोजख की तरफ लाया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चढ़े। यानी इन्होंने खुद अपनी अकल से काम लेकर कभी ना सोचा कि बाप दादा से जो तरीका चला आ रहा है वो दुरुस्त भी है या नहीं। बस आंखें बंद करके इसी डगर पर हो लिए जिस पर दूसरों को चलते देखा। हालांकि इनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और इनमें हमने तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि इन तंबीह किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इस बदअंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें इसने अपने लिए खालिस कर लिया है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर इन डिटेल यानी कि किस तरह से जो लोग जहन्नुम में जाते हैं, जो कुफार मुशरिकीन का जिक्र किया गया कि किस तरह से वो सताते थे, तो अल्लाह ताला उनका क्या अंजाम करने वाला है। और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जो लोग जहन्नुम में जाएंगे उनको किस तरह से उनका वहाँ पे इस्तकबाल किया जाएगा, किस तरह से उन्हें जख्म खिलाया जाएगा, खौलता हुआ पानी पीने दिया जाएगा, फिर वापस जन्नत, फिर वो जहन्नुम की तह में ही रहेंगे। वेरास जब जन्नतियों का मुकाम देखेंगे तो जन्नती इतनी खुशी में रहेंगे कि उनको इतना डर होगा कि इनका जो लज्जतें हैं वो कभी छीनने वाली नहीं, दायम रहने वाली हैं, और उनकी ये जो ज़ियाफ़तें हो रही है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी, और उनके लिए हर वो चीज़ मैसर होगी। यानी शराब, उनके लिए हूरें, उनके लिए मासूम बच्चे खिदमत गुजार, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए मुहैया करेगा। तो इंशाल्लाह इसका कंटिन्यूशन करते हैं आने वाले रुकू नंबर 3 के साथ सूरह साफ़ात के कल। फिर तो जब तक इजाज़त।